बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन ब्यूटी। तो व्यूअर्स, कहते हैं आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए, अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। वीडियो में ड्रेसेस देख लें, और इस तरह की वीडियोस आप लोगों ने हमारी काफ़ी पसंद की हैं, काफ़ी अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस दिया है, फिर कोशिश होती है कि इस तरह की वीडियो आपको ज़रूर दिखाई जाए। सबसे पहले कि हमें कुछ कमेंट्स आए कि हमें कहा गया कि आप हमें बताएं कि ये आप जो वीडियो बनाती हैं ये कैसे है। तो अब आप ये देखें, अब जैसे मैं वीडियो की, जैसे ये पिक्चर्स मैंने ओपन कर ली हैं अपने मोबाइल में, इसका जो रोटेशन है वो चेंज कर दी है, ठीक है। आप ये देखें, ये मेरे मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर है, ये आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ साइड में, स्क्रीन रिकॉर्डर और ऑटो रोटेट, ये मैंने ऑन की हुई है दोनों चीज़ें। इसके बाद आपने इसको ऑन करने के बाद पिक्चर्स को ओपन किया है और इसको ख़ुद ऊपर नीचे करके जूम करके इसको आप इस तरह की वीडियो बनाकर दिखा सकते हैं। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा, अगर नहीं आया है तो फिर भी एक दफ़ा आप ट्राई करिएगा। वॉइस ओवर करते हुए मैं साथ में इसकी जो सेटिंग होती है आपने सेटिंग चेक कर लेनी है, उसमें सेटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आपने वॉइस ओवर साथ ही साथ करनी है या नहीं करनी। इसके अलावा इसकी जो 1 MB वाली सेटिंग होती है वो भी आप चेक कीजिएगा कि आपने कितनी रखनी है। ड्रेसेस भी देखते जाएँ, साथ में मेरी बात पर भी गौर कर लें कि मैं क्या समझा रही हूँ आपको। उम्मीद है आपको समझ आया होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने किस तरह से करनी है। अच्छा, एक और बात, आप पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग से इस तरह अगर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद आपने इसको छोटे पीसों में यानी कि बनाना है वीडियो को। छोटे पीस में मसलन कैसे, अगर आपकी 2 मिनट की वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई है तो आप उसको स्टॉप कर दें, 2 मिनट की फिर बनाएं, 2 मिनट की फिर बनाएं। उससे ये होगा कि आप अपनी वीडियो को जब एडिट करने लगेंगे तो उसमें ज़्यादा MB का मसला नहीं आएगा, अदरवाइज़ ज़्यादा MB का मसला आएगा, क्योंकि जब हम वीडियो एडिट करते हैं और उसकी अगर MB ज़्यादा हो, उनका अगर साइज़ ज़्यादा हो, बड़ा हो, तो वो एडिट होने में मसला बनता है। उधर लिखा हुआ आता है कि आपकी वीडियो एडिट नहीं हो सकती, इनका साइज़ बड़ा है। अच्छा जी, ये डिज़ाइन आप चेक करें, कलियों वाला डिज़ाइन बना हुआ है और इसमें जो जॉइंट लेस यूज़ हुई हुई है वो है मोतियों वाली। मोतियों वाली ना मिले तो आप ऊपर से मोती रखवा सकती हैं, और सेंटर में कटवर्क की शटर लेस यूज़ हुई हुई है, देखें 1, 2, 3, 4, 5 कलियाँ चेक कर लें इसकी, और नीचे से भी इन्होंने इसी तरह लेसिस के साथ, जॉइंट लेसिस के साथ डिज़ाइनिंग की हुई है वाइट ट्राउज़र के साथ, और जो स्लीव्स हैं वो एम्ब्रॉयडर्ड हैं। व्यूअर्स, आप में से किसी को भी अगर मेरी बात समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट्स में समझा दूँगी। ये देखिए, एम्ब्रॉयडरीड है, एम्ब्रॉयडरी के साथ नीचे शटर लेस है, सेंटर में शटर लेस है, और आप चाहें तो एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो जो प्रिंट फैब्रिक होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये चेक कर लें जी, इन्होंने सिंपल शर्ट पहनी हुई है फ्रंट से ओपन बटन्स के साथ, और प्रिंटेड दुपट्टा। प्रिंटेड इस तरह के दुपट्टे आप लोगों को टिश्यू और गंजा में इजीली मिल जाएंगे, और इस तरह के दुपट्टे आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा मार्केट में आए हुए हैं। ये देखें जी, एम्ब्रॉयडरी के साथ इसकी डिज़ाइनिंग हुई हुई है जो कि बहुत प्यारी लग रही है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है। एम्ब्रॉयडरी आप चाहें तो करवा लें, आप चाहें तो जो जैसे कि बुटीक्स पर मिल जाते हैं ड्रेसेस, वहाँ पर भी अगर आप इस तरह के ड्रेसेस बनवाना चाहेंगी तो वो ईज़िली बन जाएंगे। आप में से किसी को भी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयरिंग करें अपने तमाम फ्रेंड के साथ, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग देख सकें। इसके अलावा आपने हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो भी देखना हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट्स कीजिएगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ और आप क्या देखना चाहेंगे। अच्छे अच्छे से कमेंट करते रहा करें, उससे फिर हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे से आइडियाज़ मिल जाते हैं। ये ओपन में इन्होंने लेस के साथ डिज़ाइनिंग की हुई है, और लेस लगी हुई है स्ट्रेट वाली, आप स्ट्रेट लेस लेके इस तरह से ओपन शर्ट में डिज़ाइनिंग कीजिएगा, और नीचे आप इसका पैच चेक कर लें, 3 तरह के पैच यूज़ हुए हुए हैं, और कटवर्क की लेस भी यूज़ हुई हुई है, और शर्ट का लेंथ भी ज़्यादा है। ये देखें, प्रिंटेड में नीचे पैच लगा हुआ है और नीचे एक टसल्स वाली लेस लगी हुई है। अच्छा, इनकी स्लीव्स आप देखें कटवर्क के साथ बनी हुई है, और नेक डिज़ाइन चेक कर सकते हैं, नेक डिज़ाइन भी बहुत प्यारा बना हुआ है। स्लीव चेक कर लें,
पिनटेक के साथ डिज़ाइनिंग है, प्लेट्स के साथ चुने दी हुई हैं और नेक डिज़ाइन आप देख लें, बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है। इस तरह का आप शॉर्ट फ्रॉक बनाइएगा और जीन्स के साथ पहनिएगा, बहुत प्यारा लगेगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं एक और न्यू वीडियो लेकर आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।